देखो सबसे पहला जो है ग्लू का टारगेट क्या होना चाहिए, 20 नंबर सर, 20 नंबर लाने, 20 नंबर लाने के लिए सबसे पहली चीज पहला चैप्टर क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या रियल नंबर्स जिसको कहते हैं, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन आता है। रियल नंबर क्या है, नंबर मालूम है ना, गिनती वाला नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से शुरू होके जहां तक जाता है। इसका कोई एंड नहीं है, नंबर का क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तब ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, क्या कहते हैं इसको, होल नंबर। अगर पहले 0 से शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कहां तक जाएगा, इसका भी कोई एंड नहीं, इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। क्यों होल नंबर कहते हैं, जैसे ये 1 से लेके नंबर अगर है तो आप सारी डिजिट नहीं बना पाएंगे, 1 से लेके 9 तक सारी डिजिट बनती है ना, 1 से 9 तक अगर आपके पास नंबर है तो आप सारी डिजिट बना लेंगे, बन जाएगा कोई भी नंबर ना, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, लेकिन सारी डिजिट नहीं बन पाएगी। एक सुनो, अगर इसमें 0 हम जोड़ दें, 0 से लेकर 9 तक में सब बना सकते हैं, 10 हो गया, 25 हो गया, किसी भी कोई भी नंबर लिखो, चाहे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। देखो सब में वही नंबर होता है, 3 सब 1 to 9 के ग्रुप में है, 0 to 9 के, 3, 7 ये भी उसी में, 8, 5, 9, 6, 0, 1, 2 सब प्राइमरी डिजिट्स हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डिजिट्स, 0 to 9। इससे आप मैथमेटिकल कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे प्राइमरी कलर होता है ना, नीला पीला हरा, उससे मिला मिला के आप कई कलर बना लेते हैं, उसी तरह से ये डिजिट्स हैं, ये प्राइमरी डिजिट्स हैं, इससे आप सारे नंबर बना सकते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है अक्सर, इज दिस वन इज अ होल नंबर और रियल नंबर और नेचुरल नंबर जो भी। अब क्या होता है कि सारे नंबर एक साथ मिला, ये बड़े हो बड़े होने कभी कभी क्या कहते हैं इसको, नंबर लाइन। इसके सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड होता है, जो 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। ये 2 तरह के नंबर हो गए, पॉजिटिव में, और फिर एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, और एक 0 है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और एक नंबर है इसमें, ये नंबर है क्या, कुछ याद आया, इस नंबर की क्या खास बात है, ये अपने छोड़ से किसी से डिवाइड नहीं होता, ये अपने को छोड़ के, अपने को और एक को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। देखो और एक चीज इसमें खास बात क्या आ रही है, 2 सिर्फ इवन नंबर है, बाकी सारे जो है ऑड नंबर है, तो प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर इवन है, बाकी सारे नंबर जो है वो ऑड नंबर। दिस क्लियर, ये समझ में आया कुछ, जब पढ़ोगे तभी याद आएगा, अब जब कुछ कोशिश कर रहे हो तो याद आ रहा है ना कि पुराना की नहीं, तो जब करोगे नहीं बगैर किए कुछ नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है खाली पढ़ डालो, एनसीईआरटी की बुक खाली पढ़ डालोगे तब भी उतना याद आ जाएगा, करने पर उनको। अभी भी हम रियल नंबर पे नहीं पहुंचे, एक नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्राइमरी नंबर हो गए, अब एक नंबर पढ़ाइए, पढ़े थ्री बाई क्यू, पढ़े हो ना, इस तरह के तो बहुत नंबर पढ़े होंगे, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, इसको क्या कहते हैं, क्या रूल होता है,
फ्रैक्शन में किसी नंबर को हम कब लिख सकते हैं, जब उसके ऊपर सर के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, ऊपर एक नंबर हो और एक नंबर नीचे हो, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। और ये क्या है, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा, वरना वो आप वैल्यू नहीं निकलेगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल, रेशनल नंबर हो गया। और इसी के साथ एक होता है इरेशनल। मैं से देखो हमेशा दो चीजें चलती है, ऑड है इवन है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, काउंटिंग नंबर है होल नंबर, साथ में ज्यादातर दो दो चीजें चलती है साथ। देखो एक रेशनल नंबर हो गया जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और एक इरेशनल नंबर है जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यही होगा ना, एक लिखा जा सकता है p by q के फॉर्म में और एक p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होगा, उसको हम इरेशनल कहेंगे, और जो लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे? रेशनल। रेशनल वाला तो आप लोगों ने बहुत सॉल्व किया है। इरेशनल नंबर जैसे ये एक इरेशनल, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं। जब डेसिमल में आप जाएंगे तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो रुक जाता है और एक नहीं रुकता है, याद है कुछ? ये सब 6-7 से पढ़ाया जाता है, हाँ? तो याद करने की कोशिश करो, जिसको याद नहीं रहता है उसको दुनिया क्या बना देती है? राइट बना देती है, अगर की वही घड़ी गई, क्योंकि चीजें जब सही टाइम पे नहीं आ पाएंगी तो वो चीज दिमाग को उस तरह मत रखो, पढ़ा लिखा करो तभी ये चीजें आएंगी सही से। रेशनल इरेशनल, ये दोनों समझ में आ गया? रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर देखो दो तरह के होते हैं, 3/5, इसको काट के कितना होगा? 0.6, पूरा कट गया ना, आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करते चले जाएंगे, कई साल करेंगे तब भी ये रुकेगा नहीं, चलते गए, क्योंकि रिमाइंडर आता रहेगा। डेसिमल का कितना होता है? जब रिमाइंडर उसका जीरो हो जाता है, इसका रिमाइंडर जीरो हो गए, दोनों फ्रैक्शन है, इन दोनों में कोई फर्क है? 3/5 या 5/2 क्या बोलो? बोलो गलत सही से मतलब नहीं है, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा नंबर, डेसिमल से पहले भी कोई नंबर आएगा, चाहे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन इसमें डेसिमल से पहले हमेशा 0 आएगा। तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, 1 पॉइंट होगा ना, 1.6 समथिंग, ये भी जाके कट जाएगा आगे देखिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जो तुम लोग के जो कोर्स है ये तो पुराना पिछले क्लास, तुमको जो आना है वो रेशनल और इरेशनल नंबर। उससे पहले हम आते हैं फैक्टर, एक बड़ा नंबर है उसको छोटा कैसे किया जा सकता है, किस फॉर्म में लिखें? मान लो चलो 6 लिखते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट के रखना है कि वैल्यू ना चाहिए, किससे डिवाइड कर 2, 3 या 6, इसको ऐसे लिख दें, यही ना? देखो तो एक नंबर छोटा हो गया 2, एक हो गया 3 हो गया, लेकिन वैल्यू वही, इसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? फैक्टर्स। 6 का फैक्टर क्या है? 2 और 3, और 1 तो सबका फैक्टर होता है, लेकिन 1 हमारा यूज नहीं यहां पर होता, इसलिए हम 1 लिखते नहीं, किसी भी नंबर के साथ 1 हमेशा रहता है, जैसे 4 है, इसके साथ 1 हमेशा, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा, इससे 2 भी 1 होगा, क्यों रहता है? क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो नंबर की वैल्यू अनचेंज होगी। दैट्स क्लियर। ये हो गया फैक्टर्स। आपको जो एक क्वेश्चन आएगा वो फैक्टर्स का है, इतना छोटा नहीं है, कुछ बड़ा है, मान लेते हैं चलो 36, इसका फैक्टर क्या है, इसका तरीका क्या है? नहीं आता है सीधे सीधे ऐसे करके डिवाइड करते, यही करते हैं ना, एलसीएम एससीएम निकाला है ना, 2
से
ठीक है, क्यू एक्स डी एक्स आर एक्स, ये हो गया पी एक्स पॉलिनोमियल हो गई, बड़ी वाली डिवाइडेड हो गया, ये क्वोशिएंट, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर, यही क्या कहलाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस तरह से आपको सॉल्व करते चलो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में, एक एक स्टेप आपको इस तरह से सॉल्व करना है, कोई भी एक नंबर ले लो, इसी को ले लो, उससे आसान है, उसका स्टेप इसमें आ जाएगा, इसको भी देख लेना। जैसे
जैसे एग्जांपल में किया है उसी तरह से इसको दिया है। तो चार नंबर ये हो जाएगा, अगर ये करोगे तभी पास हो पाओ। अच्छा इसका क्या मतलब होता है? दो बार बार है, दो बार बार है, यानी ये चोरी क्या है? इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, ये भी याद करना है। ये देखो इसको क्या करेंगे, पहले लेंथ इसको फ्रैक्शन में बनाना है। अगर सीधे सीधे कोई नंबर फ्रैक्शन में बन रहा है 0.2, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है? 2/10 हो जाएगा ना ये। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट x इज इक्वल टू 0.25, तो x इज इक्वल टू 0.22 ठीक है, सिर्फ मान के लिखते हैं, मान लिया था हमने ये, अब इसको हमने ये लिखा। अब क्या होगा, अगला स्टेप सॉल्व कैसे होगा, क्या करें? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या होगा? एक ऐसा काम करो जो दोनों तरफ एक ही तरह से मल्टीप्लाई, बोथ साइड कितने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? अगर दोनों तरफ हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू को ही रहेगी, बदलेगी तो है नहीं, तो किस नंबर से करेंगे हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां कितना नंबर रिपीट होता है, एक नंबर ना, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट रिपीट होगी तो 100 से करेंगे, तीन होगी तो 1000 से करेंगे। एक डिजिट रिपीट हो रही है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो गया 10x, इधर क्या हो जाएगा 2.22, उतना ही है ना भाई। जब इनफाइनाइट है तो उतना ही लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करें, कुछ सॉल्व मिले, कुछ दो इक्वेशन हो गया ना, कौन सा बड़ा इक्वेशन है तुम्हारी समझ में? नीचे वाला, इसमें से वाला घटा, कुछ ना कुछ तो देगा ही।